नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कुछ दिनों पहले एक गाना बड़ा हिट हुआ था कि मेरे सैया तो खूब ही कमात हैं पर महंगाई डायन खाए जात है। उस समय तो लोगों ने इस गाने को हंसी मजाक के तौर पर लेकर एंजॉय किया था, मगर क्या खबर थी जनाब कि ये अल्फाज इंसानी जिंदगी में एक सबब बन जाएगा। मौजूदा दौर में जहां इंसान रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाता है और सोचता है कि वो अपने परिवार के साथ दो वक्त की रोटी सुकून से खा पाएगा, मगर पिछले कुछ दिनों से महंगाई ने जिस तरह से सुरसा की तरह मुंह खोला है उससे तो यही लगता है कि अब बड़े मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं। कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस सिलेंडर, तो कभी खाने पीने का सामान, हर तरफ आग लगी हुई है। एक तरफ सरकार रोज रोज नए कर लगाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदमी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर अपने परिवार के लिए जिंदगी तलाश कर रहा है। बच्चों की शिक्षा, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने पीने का सामान, कब पंखा लगाकर महंगाई के साथ उड़ने लगे इंसान को पता ही नहीं चला। अलबत्ता चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा लोगों के जहन में एक बात बार बार बैठाने की कोशिश की जाती है कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, और भोला भाला इंसान इस लालच में फंसकर अपना कीमती वोट उस नेता पार्टी को दे देता है, और अगर इससे भी काम नहीं बनता दिखाई देता है तो सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल इन नेताओं द्वारा किया जाता है, और वो हथियार है मजहब का। मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को पहले डराया जाता है और ना माने तो दंगे करवाकर आपस में ही एक भाई को दूसरे भाई की जान का दुश्मन बनाकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जाता है।